वेलकम टू एवरीवन, आई एम नीता जायसवाल, एमएससी फोर्थ सिमजुलॉजी, पेपर थर्ड इथियोलॉजी। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। हम देखते हैं कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, फिशेस जो है गिल से रेस्पिरेशन करती है। गिल्स जो है प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में उनके बॉडी में कार्यरत होता है। गिल्स के साथ साथ कुछ और भी अंग जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इन्हें ही एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। इसकी ओरिजिन को अगर देखें तो जो बड़े बड़े लार्ज रिजर्वायर होते हैं, जलाशय होते हैं, उनके अंदर में कुछ स्मॉल पॉन्ड है, मुड पोल्स हैं, ये सब आते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत लो अमाउंट में रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्वेटिक फ्लोरा है, फ्यूना है, उससे उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस डेड फ्लोरा फ्यूना से जो प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे टॉक्सिक केमिकल लाइक कार्बोनिक एसिड, इसका प्रोडक्शन होता है, जो उस एक्वेटिक हैबिटाट के लिए हार्मफुल रहता है। एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाने वाले फिशेस हैं, उनके सर्वाइवल के लिए वो हार्मफुल होता है। इस केस में फिश अपने बचाव के लिए, ऑक्सीजन डिप्लेशन से बचाव के लिए कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ करती है, जो उनमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या फिर जीवित रखने के लिए उनमें हेल्प करती है। फिशेज जो हैं गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं, पर एक्सपोटेंशियल इन्वायरमेंट कंडीशन में ब्रांचियल रेस्पिरेशन के द्वारा, गिल रेस्पिरेशन के द्वारा इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। इस केस में फिशेज अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रखने के लिए अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाती है, कुछ एडाप्टेशन करती है, तब वो जीवित रह पाती है, सर्वाइव कर पाती है। इस तरह से उनके बॉडी में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक अडॉप्टेड ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, एक अडॉप्टेड अंग के रूप में उनके बॉडी में कार्यरत होता है। इस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा वे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में इंक्रीजमेंट कर पाती है, और एस्टिवेशन के समय उनमें मॉर्टिलिटी देखा जाता है, उसको भी वो प्रिवेंट कर सकती हैं। वातावरणीय श्वसन जो है फ्रेश वाटर फिशेस में ज़्यादा देखा जाता है। इसके डेवलपमेंट को अगर देखें तो कुछ एडल्ट फिशेस होती हैं जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन फेरेंजियल गिल्स के द्वारा बहुत कम करती है, और ये गिल्स जो हैं उनमें सप्लीमेंट फॉर्म में रहता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। फिशेस में गिल्स के साथ साथ तो जो अंग काम करता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो एक एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में होता है, और ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फ्रेश वाटर फिशेस के साथ साथ कुछ मेराइन फिशेस में भी पाया जाता है। ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेस लाइक नोटोपटेरस चेन्ना है, एनाबास है, इनमें पाया जाता है, और कुछ हिल स्ट्रीम फिशेस जैसे जगिविया, इनमें पाया जाता है। समर के सीजन में जब वाटर का जो लेवल होता है वो समर सीजन में कम हो जाता है, इस केस में वहाँ पर डिजॉल्व कंडीशन में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसकी भी अवेलेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। इस केस में फिशेज जो है उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, तब फिशेज अपने इस एडॉप्टेड ऑर्गन जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसको यूज़ कर एक्वेटिक रीजन से जो एरियल इन्वायरमेंट है, ऊपर की सरफेस है, उनमें जाकर वो वातावरणीय श्वसन कर लैंड के या फिर एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करती है। इस तरह से वातावरणीय इन्वायरमेंट के साथ साथ एरियल इन्वायरमेंट के साथ साथ एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी ये फंक्शनेबल होता है, कार्यरत होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एम्फीपेनस है, इनमें गिल्स के साथ साथ एयर शेक प्रेजेंट है। चेन्ना है, चेन्ना में गिल्स के साथ साथ एयर शेक पाया जाता है। एनाबास है, लैब्रिंथाइन ऑर्गन पाया जाता है। क्लेरिस बेट्रिकस है, गिल्स आर्च, गिल फिलामेंट इसके साथ साथ अर्बोरिसेंट ऑर्गन है। हेट्रोपेनिस्टा में गिल्स के साथ साथ ट्यूबुलर एयर शेक पाया जाता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिशेस में किस 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 प्रकार का एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है, लाइक स्किन है, ब्रांचियल इपिथिलियम है, ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम है, गैस ब्लेडर है, लंग्स है, एक्सटर्नल गिल है, अपर कूलर चैम्बर है, कुछ एयर रिजर्वायर है जिसको हम आगे में देखते हैं। फर्स्टली है स्किन। स्किन जो है जो हमारे एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाले एनिमल है उनका स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, थिन रहता है, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर फॉर्म में रहता है, जो उनके वातावरणीय श्वसन में हेल्प करता है। कुछ एम्ब्रियो लार्वा है वे स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन करती है, लेकिन उनमें गिल्स भी कार्यरत होता है। एस्पेंसर और कैटफिश, इनका स्किन अगर देखें तो जैसे एस्पेंसर है
इसके स्किन में हैजली वेस्कुलर फोल्डेड अपरकुलर फोल्डेड पाया जाता है। ये वेस्कुलर फोल्डेड जो है, ये कट सेक्शन इसका, यही उनके बॉडी में गिल्स के साथ साथ ये अपरकुलर फोल्डेड जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये पेरियोपथेलमस है, इनमें भी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। बेलोपथेलमस में भी स्किन के द्वारा होता है। सेकंड है बकल फेरेंजियल रेस्पिरेशन, फिस में गिल के द्वारा, गिल के साथ साथ कुछ बकल फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। इनमें ये जो फेरेंजियल एपिथेलियम होता है, बकल फेरेंजियल एपिथेलियम होता है, ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है और ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर फॉर्म में होने के कारण गैस एक्सचेंज को अलाउ करता है। इनमें पाए जाने वाले जो डाइवर्टिकुलम होते हैं, डाइवर्टिकुलाई पाउच होते हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। और जो ब्रांचियल चैम्बर होता है वो वाटर को फुलफिल करके रखते हैं, जो फीसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर इस गिल रेस्पिरेशन को कंटिन्यू बना रखते हैं। ये पेरियोपथेलमस, मोनोपोट्रेरस, इलेक्ट्रोफोरी में पाए जाते हैं। कुछ रेस्पिरेशन जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो गैस ब्रीडर लंग्स के द्वारा होता है। कुछ एडवांस टिलोस्ट फिश जैसे क्लेरियस पेट्रिकस है, एनाबास टेस्टिजिनस है, बेटा है, इनमें डाइवर्टिकुलम जो है अपर कूलर लंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। कुछ फिशेज जो होते हैं उनमें गैस ब्लैडर के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ये गैस ब्लैडर जो है एम्फीबियन लंग की तरह काम करता है, जैसे एमिया में पाया जाता है। ये गैस ब्लैडर है, गैस ब्लैडर में पाए जाने वाले न्यूमेटिक डक्ट जो है, ये डक्ट यहाँ पर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रोल करता है। ये बेसिकली फ्रेश वाटर टिलोस्ट लाइक नोटोपेटरस में पाया जाता है, उनमें देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। एमिया में पाया जाता है, पॉलीपेटरस में पाया जाता है। एक्सटर्नल गिल जो है, अगर देखें तो एक्सटर्नल गिल उनके बॉडी में एक्सटर्नल रूप से पाया जाता है, बाहरी रूप से पाया जाता है। जो उस एक्वेटिक रीजन में पाए जाने वाले वाटर हैं उनसे डायरेक्टली इनका संपर्क रहता है, तो इस एक्सटर्नल गिल के द्वारा इजली रेस्पिरेशन होता है। ये एक्सटर्नल गिल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेस्कुलर रहता है और फिलामेंटस आउट ग्रोथ ऑफ एक्टोडर्मिस द्वारा ये बाहरी कवर रहता है। ये कवरिंग विसरल आर्च जो है, जो बाहर की ओर फैले रहता है, उसको भी ये कवर करके रखते हैं। कुछ लार्वा पॉलीपेटरस है, उनमें सिंगल पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल पाया जाता है, जो कि उनके हायर्ड आर्च रीजन में लोकेलेटेड रहता है। कुछ डिप्लॉइड लार्वा है जिनमें 4 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल पाया जाता है, जो उनके विस्ट्रल आर्च के पास पाया जाता है। कुछ एडल्ट लेपिडोपटेरा है, उनमें ये एक्सटर्नल गिल डिसअपीयर रहता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं डिफरेंट पीसेस में एक्सटर्नल गिल पाया जाता है। जैसे लंग्स फिश में 4 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल है, यहाँ पर पॉलीपेटरस लंग्स फिश है, इनमें सिंगल पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल है। इसी प्रकार सार्क में डिफरेंट टाइप की गिल्स है, मतलब गिल्स की संख्या जो है डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो उनके अब जितनी ज़्यादा गिल्स की संख्या रहेगी उतनी ज़्यादा वो उनके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यहाँ है कुछ फिशेस में अपर कूलर चैम्बर जो है अडॉप्टेड होकर के, मॉडिफाई होकर के वातावरणीय श्वसन में हेल्प करती है। यहाँ पर फिशेस जो हैं एयर से ऑक्सीजन इनहेल करके आगे अपर कूलर चैम्बर में जो गिल स्लाइड्स पाया जाता है उनमें उस ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। इस अपर कूलर चैम्बर में 2 लिटिल लाइक बलून्स पाए जाते हैं। यह अपर कूलर चैम्बर हेड के हैंडर रीजन के पास प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक्सटर्नल ब्रांचियल ओपनिंग पाया जाता है, जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है उनको बाहर पास आउट करने में हेल्प करते हैं। और ये भी बहुत वेस्कुलर रहता है, जो कि अपर कूलर चैम्बर में गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। ये पेरियोपथेलमस, बेलियोपथेलमस इनमें पाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हेड के हैंडल रीजन में अपर कूलर चैम्बर प्रेजेंट है। यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है अंदर की ओर। यहाँ पर गिल आर्च, गिल स्लाइड्स प्रेजेंट है। इसका अगर कट सेक्शन देखिए तो ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर फॉर्म में है। यही वेस्कुलर फॉर्म में जब ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज होते हैं तो ब्लड वेसल्स का जाल भी अच्छे से फैला हुआ होता है, ब्लड कैपिलरी भी
उसका फैलाव भी सही तरीके से होता है, और यही ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो इनमें कंटिन्यू होते रहता है। ये ब्लड फ्लो अगर कंटिन्यू होता है तो ऑक्सीजन का भी प्रवाह है वो कंटिन्यू होते रहता है। इस तरह से अपर कूलर के द्वारा भी फिशेस में जो है रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फिशेस में पाए जाने वाले काउंटर करेज मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। जनरली फिशेस जो हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि फिशेस की बॉडी में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो वे वातावरणीय श्वसन करते हैं। फिशेस में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, सॉरी वाटर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, एक्वेटिक रीजन में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो डिजॉल्व कंडीशन में रहते हैं। फिशेस डायरेक्टली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, वो तो गिल के द्वारा डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। और हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वहाँ पर 21% ऑक्सीजन रहता है, और एक्वेटिक रीजन में डेप्थ में 2 से 1% ही ऑक्सीजन रहता है। इस कंडीशन में अगर जो नीचे का रीजन है जहाँ फिश रह रही है, एक्वेटिक हैबिटाट है, वहाँ अगर कुछ एक्सपोटेंशियल इन्वायरमेंट कंडीशन आ गया, कुछ टॉक्सिक आ गया, समर सीजन आ गया, तब फिशेस को वातावरणीय श्वसन करना पड़ता है। और जनरली फिशेस जो हैं गहराई में पाई जा रही है वो ऊपर की ओर सरफेस की ओर जाती ही है रेस्पिरेशन करने के लिए। इस कंडीशन में वे हम देखते हैं कि वे अपनी माउथ को अप डाउन करते रहती है, ओपन करती है, क्लोज करती है। जब वे फर्स्टली ओपन करती है अपने बॉडी को, ये जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम, कि यहाँ पर फिश जो है अपनी बॉडी को ओपन कर रही है, ओपन कर रही है, तो वे ऑक्सीजन सॉरी वाटर को अपनी बॉडी में अंदर डाल रही है। जब वे माउथ को ओपन करती है तो ओरल जो वॉल्व है वो भी ओपन होता है। ओरल वॉल्व ओपन होगा तो वाटर अंदर की ओर जाएगा। ओरल वॉल्व ओपन होता है तो उनके बॉडी में जो और ऑर्गन पाए जाते हैं लाइक ब्रांचियल चैम्बर है, मेम्ब्रेन है, ब्यूकोफेरेंजियल जो है ये क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्लोज है तो हम देख सकते हैं कि जब ओरल वॉल्व ओपन हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, तो ब्रांचियल जो चैम्बर है वो क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पर फिशेस जो है अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखती है। अब सेकंड हम देखें ये डायग्राम, तो अब फिशेस जो है अपनी बॉडी में वाटर को अंदर ले ली, माउथ बंद हो गया, क्लोज हो गया, ओरल वॉल्व भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जो ब्रांचियल चैम्बर है वो ओपन हो गया, मतलब वो अपनी बॉडी में मुँह में वाटर को जब फुलफिल कर ली तो अब अंदर पास आउट होने के लिए ब्रांचियल चैम्बर ओपन हो गया। तो जब ब्रांचियल चैम्बर ओपन हो गया तो उनके बॉडी में जो गिल्स हैं उनमें बहुत, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज होते हैं, उनमें ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ होता है। अपर कूलर में जो गिल्स लाइट्स पाए जा रहे हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है और ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है। तो जब ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है तो वो आसानी से ऑक्सीजन को इनहेल कर अंदर पास आउट करेंगे। तो इस वाटर जो यहाँ पर स्टोर करके रख रहे हैं उनमें जो ऑक्सीजन है उसको वो गिल्स में पाए जाने वाले गिल्स स्लाइड्स के थ्रू बाहर मतलब बॉडी के अंदर की ओर भेज रही हैं। अब यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम देखें तो जो पानी की विपरीत दिशा में ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अंदर की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर ये जा रही है। यहाँ पर काउंटर करेंट मैकेनिज्म हो रहा है। काउंटर करेंट एक्सचेंज मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द गिल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कैपिलरी इन द लैमेला। मतलब ब्लड फ्लो के जो कैपिलरी के ब्लड फ्लो हैं उनके द्वारा ब्लड का अंदर आना और जो अदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उनका बाहर जाना, यहाँ पर इस तरह से काउंटर करेंट मैकेनिज्म हो रहा है। कुछ एयर रिजर्वायर है उनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ये एयर रिजर्वायर जो है एयर सेक के रूप में फिशेस में पाई जाती है और ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रोल करती है। इसमें इस जो एयर सेक है इनमें ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। कुछ एयर रिजर्वायर हैं जैसे लेब्रिंथाइन ऑर्गन, अर्बोरिसेंट है, ब्रांचियल एयर ट्यूब है, फेरेंजियल एयर सेक है, इंटेस्टाइनल है, ये सब देखते हैं हम। जैसे लेब्रिंथाइन ऑर्गन है फर्स्टली, ये लेब्रिंथाइन ऑर्गन जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये ब्रांचियल एपिथेलियम के द्वारा फॉर्म होते हैं और जहाँ पर गिल पाया जाता है वहाँ पर ये लगे हुए होते हैं। इनमें देखें तो जैसे फिशेस हैं
एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन इनहेल कर रही है, माउथ में जा रही है, फेरिंग्स में जा रही है, एयर चैम्बर में जा रही है, फिर ब्रांचियल चैम्बर जो अपर कूलर चैम्बर के पास पाया जा रहा है, जो जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म में हो रहा है, ओरल वाल्व खुल रहा है, और ये ब्रांचियल चैम्बर कुछ टाइम के लिए बंद होता है जब माउथ को अपना ओपन करते हैं, फिर जब माउथ क्लोज हो जाता है तो ये ब्रांचियल चैम्बर बंद हो जाता है, फिर ब्रांचियल चैम्बर जब बंद हो जाएगा तो पूरा ऑक्सीजन जो सिस्टम से इनहेल करके रखे हैं वो आगे लेब्रिंथाइन ऑर्गन में जाएगा। लेब्रिंथाइन ऑर्गन जो बहुत ये भी वेस्कुलर फॉर्म में रहता है, इससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। ये कुछ लेब्रिंथाइन ऑर्गन जैसे यहाँ पर एनाबास है, बेटा है, इसमें पाया जाता है लेब्रिंथाइन ऑर्गन, यहाँ इनके बॉडी में हाइड्रोजन के पास लगा हुआ है। यहाँ पर गिल आर्च भी प्रेजेंट है, गिल आर्च की ऊपर की रीजन में लेब्रिंथाइन ऑर्गन प्रेजेंट है, बेटा इनमें पाया जाता है। अब है सेकंड है अर्बोरिसेंट ऑर्गन, डेंड्रिफॉर्म ऑर्गन। कुछ फिशेस में ब्रांचियल कैविटी तक जो है अर्बोरिसेंट ऑर्गन फैला हुआ होता है। इनमें दो एयर चैम्बर पाया जाता है, यही एयर चैम्बर जो है बहुत ही वेस्कुलर फॉर्म में डेंड्रिफॉर्म या अर्बोरिसेंट ऑर्गन बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा, अब जाहिर सी बात है फीसेस में जब वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होंगी तभी ब्लड वेसल्स भी सही तरीके से होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा अर्बोरिसेंट ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा वेस्कुलर फॉर्म में रहते हैं और ब्रांचियल एपिथेलियम के द्वारा ये कवर रहते हैं, जो कि वेस्कुलर फॉर्म जो है आगे रेस्पिरेटरी सरफेस या फिर रेस्पिरेटरी गैस को अलाउ करते हैं। इनमें भी हम ये जो फ्लो है इनको देख सकते हैं। अर्बोरिसेंट ऑर्गन जो है फीसेस में यहाँ अर्बोरिसेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे क्लेरियस में हम देख सकते हैं, ये क्लेरियस का डायग्राम है, यहाँ पर अर्बोरिसेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, गिल आर्च भी प्रेजेंट है। इस प्रकार गिल्स के साथ साथ अर्बोरिसेंट ऑर्गन भी फीसेस में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्लेरियस है। उसके बाद है ब्रांचियल एयर ट्यूब, ब्रांचियल एयर ट्यूब भी एक एयर रिजर्वायर ऑर्गन है जो गिल्स के साथ हेल्प करती है। ये लंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंग लाइक एयर ट्यूब होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे ये पाया जाता है, फिशेस वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे ये पाया जाता है, और इसका फैलाव जो है उनके ब्रांचियल चैम्बर से लेकर के जो माउथ रीजन है वहाँ से लेकर के मिडिल टेल तक होता है, और ये गैस एक्सचेंज में, ये एयर ट्यूब गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। इस प्रकार फ्लो बना हुआ है, ये कैसे कैसे एयर है एयर से ऑक्सीजन माउथ में जाएगा, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स से ब्रांचियल चैम्बर, ब्रांचियल चैम्बर से एयर ट्यूब, ब्रांचियल एयर ट्यूब में, फिर गिल्स में, फिर उसके बाद आगे बॉडी में जाता जाएगा। ये हेट्रोपेनिस्टा में पाया जाता है ब्रांचियल एयर ट्यूब, यहाँ पर डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो एयर ट्यूब है, ब्रांचियल एयर ट्यूब है वो प्रेजेंट है, हेट्रोपेनिस्टा में पाया जाता है। फेरेंजियल एयर शेक, कुछ फिशेस में फेरेंजियल एयर शेक के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। कुछ पेयर लंग लाइक फेरेंजियल पाउच पाया जाता है, लंग्स के समान पाउच पाया जाता है, फेरेंजियल पाउच पाया जाता है, यही एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में वहाँ पर काम कार्यरत होता है। इसका जो फैलाव होता है वो फेरिंग्स तक होता है, मतलब फेरेंजियल एयर शेक का फैलाव फेरिंग्स तक वो फैला हुआ होता है, और ये बहुत ज़्यादा थिक वेस्कुलर मेम्ब्रेन होता है जो गैस एक्सचेंज को अलाउ करता है। एम्फीपेना जो होता है उसमें पेयर ऑफ ब्लाइंड लाइक फेरेंजियल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फ्लो हो रहा है, फ्लो चार्ट है, वहाँ पर कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। फेरेंजियल एयर शेक जो लंग फिश है उनमें पेयर एयर शेक पाया जाता है, पेयर में फेरेंजियल एयर शेक पाया जाता है जो लंग लाइक होता है, चन्ना में भी पाया जाता है। अब इंटेस्टाइनल एयर रिजर्वायर है, इंटेस्टाइनल एयर रिजर्वायर कुछ स्मॉल ग्रुप की फीसेस होते हैं जो एयर से ऑक्सीजन इनहेल करके आगे माउथ में पास आउट करती है, माउथ के द्वारा उसे आगे बकल कैविटी, फेरिंग्स में पास आउट कर दिया जाता है, बकल कैविटी और फेरिंग्स के द्वारा उसे आगे इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है। इंटेस्टाइन में भेजने के बाद जो गैसेस यूज़ करने के बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे बाहर पास आउट करना है उसे एनस या फिर माउथ के द्वारा ही बाहर उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता है।
और यहाँ पर बाहर पास आउट कर रहे हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में आने के बाद जो ऑक्सीजन है उसे जिसे आगे भेजना है वो गिल्स में जाएगा, गिल्स के द्वारा आगे वो बॉडी में जाएगा। यहाँ पर गिल्स सॉरी इंटेस्टाइन जो है उनमें एक वेस्कुलर पाउच प्रेजेंट रहता है जिनमें ऑक्सीजन स्टोर रहता है, और कुछ कैट फिशेस होता है जिनमें रेक्टम ही एयर रिजर्वायर ऑर्गन की तरह यूज़ करते हैं। कॉबिडिटाई इनमें पाया जाता है, ये हमारा इंटेस्टाइन एयर रिजर्वायर डोरास में भी पाया जाता है। अब हम इस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया, अगर फिशर बॉडी में कुछ ऐसे कंडीशन है कि वे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उनके बॉडी में बहुत लो हो गया है या फिर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसी कंडीशन से नहीं मिल पा रहा है, तो वे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं फिशेस के सर्वाइव के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन एक मेन रिसोर्स है, और अगर ऑक्सीजन उनको सही अमाउंट में नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा जाता है, हाइपोक्सिया एक डिजीज़ देखा जाता है, कॉजेज देखा जाता है। अगर ये कंडीशन उनमें डेवलप हो जाता है तो उनमें मॉर्टिलिटी इंक्रीजमेंट देखी जाती है, वे जीवित नहीं रह पाते हैं। तब फिशेस अपने बॉडी में कुछ चेंज करते हैं, एडॉप्टेशन करते हैं, तब उनके बॉडी में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कार्यरत होता है। इस कंडीशन में वे वातावरणीय श्वसन को इनहेल कर पाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कार्बनिक एसिड बन रहा है उसको भी वो एलिमिनेट कर पाती है और ऑक्सीजन डिप्लेशन से बच सकती है। इस प्रकार एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेस लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। थैंक यू।